हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेड टू सक्सेड। आज हम बात करने वाले हैं RRCI प्रयागराज जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसके बारे में, जिसकी क्या एज लिमिट रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपकी सैलरी क्या रहेगी, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट या कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले जो है इसके एक ओवरव्यू के बारे में। तो यह जो वैकेंसी है आपकी NCR की तरफ से निकाली गई, यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से निकाली गई। पोस्ट नेम की बात करें तो जूनियर टेक्निकल एसोसिएट यानी JTA की तरफ से, और वैकेंसीज़ की बात करें तो 20 वैकेंसीज रखी गई हैं। सैलरी की बात करें तो 25,000 से 30,000 आपकी सैलरी रहने वाली है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। जॉब लोकेशन की बात करें तो अक्रॉस इंडिया, आप इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग आपकी हो सकती है। बात करें लास्ट डेट की तो 18 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। मोड ऑफ अप्लाई की बात करें तो ऑनलाइन आपके फॉर्म जो फिलअप किए जाएंगे, और ऑफिशियल वेबसाइट इसकी है RRCPRYJ.org, आप इस पर विजिट करके इसकी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके आगे हम बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जिसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 8 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं, उसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 18 अप्रैल 2022 रहेगी, यानी आपको जो है 10 दिन ही दिए जा रहे हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसके आगे हम बात कर लेते हैं जो है इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल OBC के लिए 100 रुपये रखी गई, SC ST के लिए 0 रुपये रखी गई है। आप पेमेंट जो है ऑनलाइन किसी भी थ्रू भर सकते हैं, यानी जैसे आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, अपनी UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके आगे हम बात कर लेते हैं इसके एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट की बात करें तो इसमें 18 से 33 साल एज लिमिट रखी गई है। 18 अप्रैल 2022 तक आपकी एज लिमिट जो है कैलकुलेट की जाएगी। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें जो है जो भी RRCI के रूल्स होंगे उन्हीं के हिसाब से एज लिमिट में छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं जो है इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो डिग्री डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी आपने जो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर डिग्री की हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें जो है कैटेगरी वाइज आपकी जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हैं, तो UR यानी जनरल के लिए 8 वैकेंसी, SC के लिए 3 वैकेंसी, ST के लिए 2 वैकेंसी, OBC के लिए 5 वैकेंसी और EWS के लिए 2 वैकेंसी रखी गई हैं। इसके आगे हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि 25,000 से 30,000 आपकी पर मंथ रहने वाली है, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो है मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जाम BTech डिप्लोमा, यानी आपने जो BTech में और या डिप्लोमा में आपने जो भी मेरिट में मार्क्स जो है आपको मिले हों उन पे आधारित आपका जो है सिलेक्शन डन किया जाएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा जिसके बाद में आपके फाइनल जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगी। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट या कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। थैंक यू।